दोस्तों एक भाई का मुझे कमेंट आया था कि सीमेंस कंट्रोल 8280 बेसिक कंट्रोल में हैंडविल स्क्रीन पर है भाई, वहाँ पर मुझे पता नहीं लग रहा है उनके यहाँ नई नई मशीन आई हुई है और जो कि प्रोग्रामर है उनको कुछ बताता नहीं है। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले हैंडविल खोजने के लिए यहाँ पर देखिए जॉब बटन है, जॉब आप दबाओगे तो ऐसा कुछ आएगा स्क्रीन पर। देखिए अगर आपकी मशीन पासवर्ड मांग रही है, पासवर्ड उसको पहले भरना पड़ेगा, आप पूछ लीजिए कि आपकी मशीन में कौन सा पासवर्ड है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑनर ए बटन दबाना पड़ेगा आपको, ए बटन दबाओगे तो हैंडविल का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ए बटन दबाइए, यहाँ पे हैंडविल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हैंडविल का बटन को दबाइए जैसे ही यहाँ पे एक्स और जेड की वैल्यू खुल जाएगी। ठीक है, एक्स और जेड की वैल्यू खुल होगी, अभी भी हैंडविल आपका आगे पीछे नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखिए रैपिड स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, जो कि इसका रैपिड स्पीड है। देखो इसको इस बटन दबाओ, देख लो ध्यान से देख लो, इस बटन दबाओगे तो पहले एक आएगा। ठीक है, फिर से दबाओगे इसको तो फिर 10 आएगा। ठीक है, अब फिर से दबाओगे इसको तो 100 की स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब 100 की स्पीड हो गया। अब देखिए अभी एक्स पे है ना, एक्स पे खड़ा है, देखिए एक्स आ गया। ठीक है, एक्स आ गया और अभी जेड पे करना है, देखिए जेड पे करना है तो जेड आ गया। ऐसे उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको सीख मिलेगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं। धन्यवाद।